हेलो दोस्तों, आज है 2 नवंबर। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन DJPRT 42/21 का रिजल्ट आया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। और इस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था ना यार, उस दिन की फीलिंग इतनी मिक्स होती है। उस दिन हम समझ ही नहीं पाते, हंसे कि हमारा, हंसे मतलब खुश हों कि रिजल्ट आ गया, या फिर रोएं कि यार इतनी मेहनत के बाद, इतनी हार्ड वर्क के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन तो आपके अंदर पूरी मिक्स फीलिंग रहेगी, और आपके घर वाले सारे खुश, एकदम बिल्कुल खुश घर वाले। घर वालों का तो जो सपना है वो आखिरकार पूरा हो गया। देखो, जब हम तैयारी करते हैं ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आपसे बड़ा सपना घर वालों का होता है। तो घर वाले तो सारे खुश, घर वालों के इमोशन निकल सकते हैं, पर आप मिक्स फीलिंग में रहोगे कि यार हंसूं, खुश हों या रो, क्या करूं। ठीक है, तो दोस्तों जिस मेहनत, जो मेहनत मैं करने लगा था स्टार्टिंग में, जब से फॉर्म भरा था, फॉर्म से पहले, वो मेहनत आखिरकार एक दिन काम आ गई और उसका मुझे फल मिल गया। तो आपको भी ऐसे ही लगातार तैयारी करनी है, आपको कहीं रुकना नहीं है। ठीक है, और सिर्फ उस फीलिंग के लिए काम करो जो जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको अपना नाम अपनी लिस्ट में चाहिए। बिल्कुल, और फीलिंग किसकी? अपनी नहीं, उन घर वालों की फीलिंग के लिए, अपने घर वालों की फीलिंग के लिए काम करो कि घर वालों को लगे हाँ यार आखिरकार बच्चे ने इतनी मेहनत करी और वो सिलेक्ट हो गया। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है उस दिन। और उस दिन के बाद देखो, आज देख सकते हो, आज उस दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था और आज में, आप बदलाव देख सकते हो। जब आपका भी रिजल्ट आएगा ना, आपका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बदल जाएगा। आप ये लिख के ले लो, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़े तरीके से मेहनत करते रहो। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, किसी टॉपिक में भी दिक्कत आए वो भी बता सकते हो। बिल्कुल तैयारी, तैयारी में कोई भी 1% की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार ये टॉपिक मेरे को नहीं आता, इस टॉपिक में रह गया। ठीक है, सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई सभी को। अगर आपका रिजल्ट आएगा, जिसका KBS का आ चुका, बहुत बहुत बधाई। जिसका नहीं आया वो भाई अपने DJPRT में लग जाओ और बहुत तगड़ी मेहनत कर लो। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।